you the massive destruction that happened to Zahra City in the middle of the strip. More than 14 residential towers got destroyed by the Israeli airstrikes. Imagine. नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव, इसराइल हमास वॉर और कच्चे तेल की कीमत में उछाल के चलते आज हमें डोमेस्टिक मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि इसराइल हमास वॉर का असर कई देशों, इकोनॉमिक और सेक्टर पर डायरेक्ट रूप से पड़ेगा। दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट में कितना गिरावट आएगा, लेकिन गिरावट को वो खरीदारी के मौके के रूप में देख रहे हैं। बता दें कि कच्चे तेल की कीमत में बढ़त के कारण भी हमें बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि फिलहाल निवेशकों की निगाहें इस पर हैं कि इसकी आँच ईरान तक पहुँचेगी या फिर नहीं। दोस्तों, वॉर भले किसी कोने में क्यों ना हो रहा हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है और यही कारण है कि इसराइल हमास वॉर का इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल, नियर फ्यूचर में बाजार में गिरावट इस बात से तय होगी कि इसराइल और हमास के बीच की लड़ाई मिडिल ईस्ट सेक्टर के बाकी हिस्से में फैलती है या फिर नहीं। बता दें कि तेल कारोबारियों का फोकस ईरान पर है, जो ऑयल का मेन प्रोड्यूसिंग कंट्री और हमास का फुल सपोर्टर है। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच जितना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमें दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वॉर मिडिल ईस्ट तक पहुंच जाता है तो यानी कि जॉर्डन, लेबनान, ईरान और यूएई जैसे देश वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसका इम्पैक्ट हमें बाजारों पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो हमें बाजार में गिरावट देखने को मिलेगा। बहरहाल, सवाल आता है कि आखिरकार इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे समय में निवेशक के लिए सोना ये वाला सोना नहीं बल्कि ये वाला सोना एक सुरक्षित ऑप्शन हो सकता है। बता दें कि इन्वेस्टर को फिलहाल इंतजार करना चाहिए और सिचुएशन पे नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा रूस यूक्रेन के वॉर के समय भी ऐसा ही सिचुएशन बना था, लेकिन मार्केट में जितना अनुमान लगाया था उतना ज्यादा गिरावट नहीं आया था। इसलिए दोस्तों, अभी आपको घबराना नहीं है, बस आपको एक नजर बना के रखना है वॉर की ओर। बहरहाल दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आप किसकी ओर हैं, यानी कि आप इसराइल की ओर हैं या फिर पैलेस्टाइन की तरफ। बहरहाल, अगर आपको जाना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।